का आज पहला सोमवार है, ऐसे में भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा आराधना कर रहे हैं। बता दें कि शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म जैसी चीजें अर्पित की जा रही हैं। बम बम भोले हर हर महादेव जैसे नारों से शिव मंदिर गूंज उठा है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, भक्त शिव की आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन महीने भोले शंकर को अति प्रिय होते हैं। आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक काशी विश्वनाथ की है तो दूसरी महाकालेश्वर की है। आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, एक काशी विश्वनाथ की है और दूसरी तस्वीर महाकालेश्वर की। किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, आज सावन का पहला सोमवार है। बम बम भोले के नारों से शिव मंदिर गूंज उठे हैं, भक्तों की भीड़ उमड़ती दिख रही है। बेलपत्र अर्पित करके, गंगाजल अर्पित करके पूजा अर्चना की जा रही है भक्तों द्वारा। ये आप यूपी के काशी विश्वनाथ से पहली तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी ओर आप तस्वीर देख रहे हैं उज्जैन की महाकालेश्वर से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। कि सावन का पहला सोमवार आज है और भक्तों की शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ती दिख रही है। बम बम भोले के नारों के साथ शिव मंदिर गूंज उठे हैं। आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर की और उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर की। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सावन के महीने का एक विशेष महत्व माना जाता है और पूजा पाठ के लिए ये महीना काफी पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और मान्यता है कि सावन में यदि पूरे विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी होती है। पूरे देश में सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है और भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, चावल का भोग लगाया जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी के काशी विश्वनाथ से और उज्जैन के महाकालेश्वर से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे वाराणसी से एवं संवाददाता जुड़ चुके हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश बताएं, आज सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है, वाराणसी में किस तरह देख पा रहे हैं आप शिव मंदिरों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावन यानी कि सावन जो काशी में सावन एक अलग ही महत्व होता है। अगर बात की जाए तो एक महीना
सावन मास चलता है और उसमें बाबा विश्वनाथ की नगरी है, खुद विराजमान होते हैं। और वहीं पे मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही मंगला आरती के बाद से ही करीब 5 से 10 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। ललित घाट से 3 द्वार बनाए गए हैं, ललित घाट पहला है और दूसरा 3 द्वार बनाए गए, तीनों से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं कि जीना है या तो मरना है तो काशी एक बार आइए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हर कोई चाहता है कि मैं काशी आऊं, अपने आप को मुक्ति प्राप्त करूं। तो सावन के महीने में तो आओ भी यहाँ पे, श्रद्धालु जिस हिसाब से देश के कोने कोने से आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं बाबा विश्वनाथ को अपने धन। अगर प्रशासन, जिला प्रशासन की बात की जाए तो लगातार 3 दिन से जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है, जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया। लगातार अगर बात की जाए तो मैं मंदिर के बाहर खुद मौजूद हूँ। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जो यादव बंदी होते हैं वो जल अर्पित करते हैं, क्योंकि कहा जाता है बारिश नहीं हो रही थी, पूरे देश में नहीं बारिश हो रही थी, तो यादव बंद ने बाबा विश्वनाथ को पहले जल अर्पित किया था, उसके बाद से बाबा विश्वनाथ प्रसन्न होकर पूरे देश में बारिश किए। तो पहले वो जल अर्पित करते हैं, जो यादव बंधु होते हैं वो पहले जल अर्पित करते हैं, उसके बाद से श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं। तो वो लोग इस समय अपना जाके जल अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद से जो दो मुख्य द्वार बनाया गया उसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश अनिवार्य किया गया। तो ऐसे में तमाम तरह से यहाँ पे लगातार मंगला आरती के बाद से 5 से 10 लाख यहाँ पे श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब तक यहाँ पे सावन का महीना 1 महीने चलेगा, हर सोमवार को लगातार यहाँ पे लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। जी हर्षिदा जी, दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे वाराणसी से दुर्गेश, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है, शिव अर्चना पूजा अर्चना की जा रही है और शिवलिंग का अभिषेक भी किया जा रहा है भक्तों द्वारा, और किस तरह का खुशी का माहौल है ये दुर्गेश ने हमें बताया वाराणसी में।